साल 2014 में एक सरकार बनती है और कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। उसके बाद साल 2017 में बीजेपी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में आती है और माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रतिष्ठित चैनल को अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक भर्तियां तो हमारे पास तमाम हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। लेकिन आज हम डटे हैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा महानिदेशक कार्यालय पर। हर बार की तरह आज भी यहाँ पर तमाम सारे अभ्यर्थी हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी 1 लाख से ऊपर 37,000 भर्ती वाला समायोजन रद्द किया था, बाद में उसको सरकार ने 2 पार्ट में पूरा करने का वादा किया था। एक पार्ट था 68,500, हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं, और दूसरा पार्ट था 69,000 का। तो 68,500 में करीबन 22,000 वैकेंसी बची रह गई थी। सरकार का अक्सर नियम होता है जो वैकेंसी पिछले में छूट जाती है उसको नए के साथ समायोजित करके बड़े स्तर से फिर विज्ञापन निकलते हैं। लेकिन ये सारे चयनित अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्वालिफाई है, लेकिन मजबूरी है इस सरकार की और अधिकारियों की, कारगुजारियों की, कि आज दर दर की ठोकरें खाने को मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे छात्रों से, क्या मुद्दा है, कब तक डटे रहेंगे और क्या अभी तक कोई बुलावा आया है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के सिर्फ 6 महीने रह जाते हैं, सरकार क्या कुछ स्टैंड लेगी इनके खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल द्विवेदी है। गोपाल जी कहाँ से आए हैं? मैं जालौन से आया हूँ। जालौन से चल के लखनऊ? हाँ। बताएं थोड़ा सा प्रकरण पूरा। ये प्रकरण ये है सर कि मैं सन 2000 में मेरा हाई स्कूल है, 2002 में मेरा इंटर है, मेरा कम एकेडमिक है। मैंने हाई स्कूल इंटर में 6 बुक्स पढ़ी हैं। इस समय जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो एकेडमिक लेवल है उन बहुत अच्छा है, मतलब 30% नंबर तो उनको स्कूल से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मुद्दा है कि हम लोग एकेडमिक की वजह से इस भर्ती में नहीं हो पाए हैं इस, और मेरे 105 नंबर हैं इस सुपर टेट में, लेकिन तब भी हम भर्ती से बाहर हैं, तो क्या हम अयोग्य हैं? 90 वाले जो टीचर हैं, 90 हमारे साथ के एक मित्र हैं, वो 90 हैं, उनके नंबर 90 नंबर आया है और आज वो बदायूं में है। अगर ये 22,000 पद 69,000 की जो थर्ड काउंसलिंग है, सपोज डेट इसमें जोड़ दिए जाते हैं, अगर थर्ड काउंसलिंग के साथ अगर 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाता है तो सभी मुद्दे, चाहे MRC हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सभी मुद्दों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें सारे मुद्दे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तमाम सारे छात्रों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए, इनके चेहरों पर लटकी उस उदासी को देखिए जो सरकारों ने कभी वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारे छात्र हैं अपना अपना उन भरपूर प्रयास दे रहे हैं कि शायद हमें भी कहीं रोजगार मिल जाए। सरकार ने रोजगार सृजन के बहुत सारे अवसरों को खत्म किया है, लेकिन कहते हैं कि सरकार ही आखिरकार में जवाबदेह भी होती है। और भी अभ्यर्थी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? सर मनीष शर्मा मेरा नाम है, मैं जनपद हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ और 2 दिन से यहाँ पर आया हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, रात को कहीं सोनों के नहीं मिल रहा। मेरी सिर्फ एक ही मांग है, 105 नंबर मेरे भी हैं। गवर्नमेंट ने 65% का क्राइटेरिया निकाला था, लेकिन मेरे लगभग 75% के आसपास हो रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? विकास गुप्ता, इटावा से। क्या प्रयोजन है आगे का, कोई बातचीत पहुँचाया संदेश वहाँ? मेरी टीम, मैं कल से आया हूँ, कल सुबह में यहाँ पे लखनऊ में 8 बजे आ गया था, और कल मेरी टीम जो है 22,000 मुद्दे की टीम है, वो अंदर डीजी सर से गई थी, विजय किरण आनंद से, उन्होंने अपना ज्ञापन पत्र सौंपा और उनसे 22,000 सीट 69,000 में जुड़वाने के लिए उनसे बोला, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके ही बात शासन तक और मुख्यमंत्री सर तक पहुँचाएंगे, पर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है शासन की तरफ से। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कल तक जो है 22,000 सीट 69,000 में जुड़वा कर ये जियो पास कर दे सरकार, क्योंकि हम लोग योग्य हैं। अगर योग्यता के साथ अगर अत्याचार किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार बदनाम होगी, इसलिए हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमारा योग्यता का जो पक्ष है वो मजबूत रखे। अगर वो चाहती है कि सरकार चाहती है कि अगर हमारे नौनहाल अगर चाहते हैं शिक्षित होना चाहते हैं तो योग्यता को लाचार ना करें। अगर योग्यता लाचार हुई तो सरकार भी लाचार हो जाएगी, इसलिए हम योग्य अभ्यर्थियों का बहिष्कार न करें। इसका सरकार को आगे 22,000 जो 2022 में चुनाव होने वाला है उसमें बहुत वैसा परिणाम न सकती है। योगी जी सुनो पुकार। तो ये छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि 2022 के चुनाव करीब हैं और ये छात्रों का रोज सरकार को कितना प्रभावित कर पाता है, ये सरकार
बेहतर समझ सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले 6 महीने में 1 लाख पदों को भरेंगे। आज सरकार के पास योग्य उम्मीदवार भी हैं और ये चयनित अभ्यर्थी भी है। अब सरकार को बेहतर फैसला करना है कि इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करती है। लखनऊ से वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के लिए आयुष तिवारी।